नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी इसमें रैली हमें देखने को मिली थी और उस रैली के बाद से फिर से हमें तगड़ी इसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अब जो है ये फिर से हमें एक बोले तो रैली का अंदेशा दे रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और उस अपडेट का कैसे इसमें इंपैक्ट पड़ेगा बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसके अलावा जो लोग भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हैं वो लोग आखिर अपनी इसमें नेक्स्ट मूव क्या लें, इसका सपोर्ट का लेवल कौन सा रहने वाला है, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पर अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक कितना पैसा बना के दे सकता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक में डील करते हैं, या आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को बिल्कुल इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2400 के आसपास हमारे मेंबर हैं, तो आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके। देखिए, हमने आपको एक ट्रेड दी थी फ्राइडे को 1600 की कॉल, इसमें देखिए हमारे सारे टारगेट हिट हुए। और देखिए आपको दिखाता हूँ मैं इसकी ट्रेड, यूपीएल की आपको एक ट्रेड दी थी हमने, यूपीएल 730 की कॉल, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और देखिए आपको दिखाता हूँ मैंने आपको 1400 की कॉल दी थी, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हिंडालको की एक ट्रेड दी थी, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। एसीसी की एक ट्रेड दी थी, उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। टोटल हमने आपको 5 ट्रेड दी थी और 5-6 ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और पर डे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हमारे अदर मेंबर्स की तरह। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है जीटेन इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे को अगर आप गौर करें तो इसमें लगभग देखिए ओपनिंग हुई थी 1.70 रुपये पर, और ओपनिंग के बाद देखिए इसने अपना 1.75 रुपये का अपना हाई भी लगाया था। और कुछ दिन देखिए इसमें हमें अपर सर्किट भी देखने को मिला था, और मैंने आपको ये चीज़ बोली हुई थी कि इसमें आपको अपर सर्किट प्लस लोअर सर्किट बिल्कुल एक साथ देखने को मिलेगा, और ये आपको अप एंड डाउन साइड मूवमेंट कुछ दिन और दिखाएगा। और देखिए वही चीज़ हमें इसमें देखने को अभी हाल फिलहाल में मिल रही है। और इसके अलावा देखिए ये स्टॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट अभी हाल फिलहाल में लिया है। अब पहले बात करते हैं कि इस खबर क्या निकल के आई, पहले देख लेते हैं कौन सी अपडेट है, फिर बात करते हैं इसमें आगे की। पहले देखिए खबर जो है वो है आपका एसएम स्टेज 2 में ये स्टॉक आ चुका है। मतलब कि अभी देखिए आपको पता होगा ये स्टॉक स्टेज 4 में था, ये स्टेज 4 से स्टेज 3 में पहुंचा, और अब जो है फाइनली ये अपना एसएम स्टेज 2 में आ चुका है। मतलब कि सेंटिमेंट जो अब बन रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहे हैं इस स्टॉक में। मतलब कि आपको फिर से एक बड़ी रैली का अंदेशा देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिव नज़र में ये स्टॉक फिर से आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा चांस है कि फिर से ये स्टॉक बढ़ेगा, और ये स्टॉक आपका फिर से एक रैली दिखाने वाला है आगे आने वाले समय में। पर आप बात करते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है, मंडे को आपको क्या सकता है। तो देखिए मंडे को जो होने वाला है, मंडे को आपको फिर से एक ऐसा ही जो मूव देखने को मिलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिल सकती है। बाकी आप इसमें अगर बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो आपको बिल्कुल इसमें अपर सर्किट भी मंडे को देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी जो लोग भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं वो लोग क्या करें, तो हम पहले चलते हैं चार्ट की तरफ, के चार्ट पे क्या करना है उन लोगों को और कैसे आपको अपनी नेक्स्ट मूव लेनी है। तो आपको अगर याद हो मैंने आपको बोला था कि जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट हैं, तो अगर ये स्टॉक आपका 1.90 रुपये के नीचे जाए तो आप इसमें अपना एग्जिट कर दें। मैंने शॉर्ट टर्म वालों को पहले ही ऑलरेडी देखिए यहाँ पर एग्जिट कराया था मैंने शॉर्ट टर्म वालों को 2.40 रुपये पर, और फिर अगर आपने यहाँ एग्जिट नहीं कर पाए तो मैंने आपको 2.20 रुपये यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एग्जिट करा दिया था जो भी शॉर्ट टर्म वाले थे, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर काफ़ी रेस्ट कर रहा था, और रेस्ट करने का मतलब था कि ये स्टॉक डाउन साइड मूव दिखाने वाला है, और डाउन साइड मूव इसने दिखाया भी बहुत तगड़ा वाला। तो ये चीज़ हुई थी इसमें, तो मैंने इसलिए उन लोगों को इसमें एग्जिट करने को बोला था जो भी शॉर्ट टर्म वाले थे, और लॉन्ग टर्म वालों को मैंने बोला था कि अगर ये 1.90 रुपये के लेवल के नीचे है तो आप इसमें अपना इसमें एग्जिट ले सकते हैं, और फिर आप जो है इसको नीचे फिर से बाय कर सकते हैं। मतलब कि आपको मैंने या तो प्रॉफिट में या आप बोले कि ब्रेक इवन पे मैंने लगाया, मतलब कि आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो किया तो आपने जो है 1 रुपये का भी लॉस इसमें नहीं खाया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको एग्जिट जो है वो कराया था कहाँ पर 1.90 रुपये पर। तो बाई भी कराया था मैंने आपको 1.90 रुपये पर, और आपको एग्जिट भी कराया है कहाँ पर 1.90 रुपये पर, तो आपका लॉस तो कहीं से हुआ ही नहीं। बाकी इसने सपोर्ट जो लिया है हमारा इस लेवल को तोड़ने के बाद, वो हमारा सपोर्ट लिया है कहाँ पर 1.55 रुपये के लेवल से। देखिए यह काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था, और इसने देखिए बिल्कुल हमारे इस लेवल पर जाके सपोर्ट लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का इसने जो है बिल्कुल सम्मान रखा। अब बात करते हैं कि इसमें तेज़ी क्या आने वाली है। देखिए अगर जो लोग इसमें बाइंग करने का सोचा तो बाइंग इसमें अभी ना करें, क्योंकि देखिए ये स्टॉक देखिए थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, और जब अगर साइडवेज चल रहा है मतलब कि आपको यहाँ पर ये रजिस्ट कर रहा है कौन से लेवल पर, 1.70 रुपये के लेवल पर, तो ये फिर से आपका रजिस्ट करके आपका फिर से ये डाउन साइड मूव दिखा सकता है इसलिए, क्योंकि अगर ये रजिस्ट नहीं करता तो ये आपका ऊपर जा सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये रजिस्ट कर रहा है मतलब कि आपका ये फिर से डाउन साइड मूव दिखाने वाला है आगे आने वाले समय में। तो इसलिए जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं, खास करके शॉर्ट टर्म वाले,
वो लोग चाहें तो अभी इसमें टेम्परेरी रूप से अपना इसमें एग्जिट कर सकते हैं और नीचे के लेवल पर फिर से अपनी बाइंग करके इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या करें चाहें तो इसमें अभी हाल फिलहाल में करंट प्राइस पर जो है अपना आप निकल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेस पर, और फिर से आप नीचे के लेवल पर अपनी एंट्री इसमें लेके पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो प्रॉफिट में है वो लोग ही एग्जिट करें, जो लोग लॉस में है वो लोग अपना इसमें एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। लॉन्ग जो लोग लॉस में वो लोग एग्जिट ना करें, क्योंकि जितना भी आपका लॉस हुआ है वो रिकवर आराम से हो जाएगा, उसकी समस्या बिल्कुल ना अपना लें, वो आपका लॉस बिल्कुल 100% रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आप वेट करेंगे तो आपका बिल्कुल लॉस रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल 100% श्योर, ठीक है। तो आप इसमें अभी वेट करें जिनका भी लॉस है, और जिनका प्रॉफिट है वो लोग चाहें तो शॉर्ट टर्म वाले इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे के लेवल पर फिर से आप अपनी इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं बाइंग वालों की, बाइंग इसमें आपको नहीं करनी है, बाइंग आपको इसमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये फिर से आपका मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट करने का मतलब क्या है कि आप फिर यहाँ से ये फिर से आपको एक डाउन साइड मूव दिखा सकता है, और आपका ये फिर से शेयर 1.55 रुपये की लेवल को जो है फिर से टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो है जो सपोर्ट का लेवल है वो अभी भी 1.55 रुपये और 1.40 रुपये रहने वाला है। तो आपको अगर बाइंग करनी है तो बाइंग आप जो है इन दो लेवल के आसपास पर अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपका ये दो जो लेवल है बाइंग करने के बहुत अच्छे रहेंगे, अगर आपको इस रेंज में ये स्टॉक मिलता है तो आप बिल्कुल इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों की, तो लॉन्ग टर्म जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट है और आप लॉस में हैं तो आप इसमें होल्ड करें, आपका अगर लॉस है इसमें तो आप इसको होल्ड करेंगे, और अगर आपका प्रॉफिट है तब भी आप इसको होल्ड ही करें। लॉन्ग टर्म वालों को अपनी छड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, उनको इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा इसमें पैसा आगे आने वाले समय में बनने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि एस एम स्टेज से ये स्टॉक बाहर आता हुआ हमें देखने वाला है, और जिस दिन ये स्टॉक एस एम स्टेज 1 से बाहर आ गया तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी रैली फिर से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म वाले इसमें होल्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, जो प्रॉफिट में और जो लॉस में वो होल्ड करेंगे। और बाइंग आपको करनी है तो बाइंग कहाँ करनी है, 1.40 रुपये के लेवल के आसपास पे अपनी आप फ्रेश बाइंग करके इसको कर सकते हैं इसमें बाइंग, ठीक है। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी इंप्रूव की है, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट जो है अपना देखें तो काफ़ी नेगेटिविटी को कम किया है, और साथ में 5G का समय आ रहा है, 5G का समय जितना निकट आएगा इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी में रैली देखने को बिल्कुल मिलेगी। बाकी इसमें अभी बाइंग अवॉइड करें कुछ दिन, क्योंकि ये स्टॉक आपको थोड़ा सा और डाउन साइड मूव दिखा सकता है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म वाले निकल जाए अभी के लिए, और लॉन्ग टर्म वाले चाहे भी तो भी वो भी लोग भी जो है अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो लोग लॉस में वो लोग इसमें होल्ड ही करेंगे, लॉस वाले होल्ड करेंगे, ये बात बिल्कुल सिंपल मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग प्रॉफिट में वो लोग चाहें तो इसमें अपना पार्शियल से प्रॉफिट बुक करके इसको चीप में खरीद सकते हैं, नीचे फिर से बाइंग कर सकते हैं, ऊपर आपने प्रॉफिट बना लिया, नीचे आप बाइंग करके अपना नीचे बाइंग करके फिर से आप जो है डबल प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं। तो नीचे बाइंग करना आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि गिरावट इसमें बिल्कुल 100% रहेगी, कुछ दिन और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर ये रजिस्ट कर रहा है 1.70 रुपये से मतलब कि आपको डाउन साइड मूव दिखाने वाला है। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी इंप्रूव की है, टावर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ये, और 5G के समय पर इस कंपनी की काफ़ी डिमांड रहने वाली है ऐसी कंपनी की जो 5G में काम करती हैं। बाकी आपको समझदार है, लॉन्ग टर्म का आपका टारगेट जो है हमारा वो है 3.90 रुपये का, आपको जो मेन लक्ष्य है वो आपका 3.90 रुपये का रहेगा। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आप डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो आपका हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यारा नाम बना रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।